आपको बताने वाले हैं कि इंडिया में 5G लॉन्च होने वाला है। ये 5G क्यों कहलाता है? क्योंकि ये फिफ्थ जनरेशन का है और ये अक्टूबर 12 को इंडिया में लॉन्च होगा। विच इंडियन सिटी हैज 5G और किन किन सिटीज में आएगा? उसमें है अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। दैट मीन्स सब बिग सिटीज में सब आएगा, भी छोटे सिटीज में ये सब नहीं आएगा। तो 5G वहीं पे अच्छा चलेगा जहाँ पर इसके टावर लगेंगे। कैसे हम ये पता करें कि हम 4G सिम को 5G में बदल सकते कि नहीं? जब 5G आएगा तो 4G का काम खत्म हो जाएगा, तो 5G में उसको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G आ जाएगा। तो सैमसंग एंड्रॉयड का हम आपको बता रहे हैं कि स्वाइप अप करके आप जब सेटिंग में जाइएगा, कनेक्शन में जाइएगा, मोबाइल नेटवर्क में जाइएगा, तो वहां पर नेटवर्क मोड मिलेगा जिसमें आप प्रेफर्ड ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आप जो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा वो वाली सिम में आप कन्वर्ट हो जाइएगा, उस की फैसिलिटी को यूज कर पाइएगा। तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा 5G नहीं चलेगा, क्योंकि उतने ना टावर की फैसिलिटी है और ना उतनी अवेलेबिलिटी है हर सिटी में, तो ये गांव के लिए तो सोचना ही बेकार है। तो इसकी स्पीड कैसी होगी? इट इज क्वाइट फास्ट पुट इन टर्म ऑफ नंबर्स 4G स्पीड। 4G स्पीड के बनस्पत इसकी स्पीड बहुत अधिक होगी एंड कैन ऑफर अप टू MBPS, वाइल 5G सर्विस एक्सपेक्टेड सपोर्ट स्पीड ऑफ 300 MBPS। तो 300 MBPS तक इसकी स्पीड 4G की बनस्पत देगा। वॉट इज 4G LTE वर्सेज 5G? इन थ्योरी 5G इज लाइकली टू रीच स्पीड्स दैट आर 20 टाइम फास्टर देन 4G LTE1। तो ये 4G LTE1 से 20 टाइम फास्टर होता है। 4G LTE हैज पीक 1 GB पर सेकेंड। 5G कुड थियोरेटिकली अचीव स्पीड ऑफ 20 GB पर सेकेंड। दीज आर ऑफ कोर्स यू माइट कॉल पीक स्पीड। वी विल जस्ट हैव टू सी व्हेन 5G इज रोल्ड आउट व्हाट द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इज लाइक। तो इसकी स्पीड 20 GB पर सेकेंड के हिसाब से होगी, जो बहुत अधिक होती है, और 4G में कि 20 टाइम फास्टर होगी 4G से। तो ये आपको बहुत अच्छी स्पीड देने वाला, लेकिन ये तभी स्पीड आ पाएगी जब आपके यहाँ इसकी फैसिलिटी, टावर्स सब अवेलेबल हो। हाउ डू आई नो इफ माई सिम इज 5G? अगर आपकी सिम 5G है तो आपको कैसे उसको चेक करिएगा? तो जाइए सेटिंग में, सेलुलर में जाइए, सेलुलर डेटा ऑप्शन में जाइए। इफ यू सी द स्क्रीन योर डिवाइस हैज 5G एक्टिवेटेड। अगर आपका 5G है तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इफ यू डोंट सी दिस स्क्रीन कॉन्टेक्ट योर कैरियर टू कंफर्म दैट योर प्लान सपोर्ट 5G। टर्न ऑन एयरप्लेन मोड, टर्न इट ऑफ। अब उसको आप अपने सपोर्टर के पास जाइए और फाइंड आउट करिए कि ये है कि नहीं है। उसके लिए आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करना पड़ेगा और ऑफ करना पड़ेगा। कैन आई यूज 5G सिम इन 4G फोन? 5G सिम को क्या हम 4G फोन में यूज कर सकते हैं? और क्यों करेंगे? जब हमें 5G की जिस जगह पर फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, जब उसको 4G में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो वो आपकी स्पीड को अच्छा कर देगा। 4G फोन स्टिल वर्क ऑन 5G नेटवर्क, दे जस्ट वोंट गेट दैट कन्वर्टेड 5G स्पीड। तो इसलिए हम जहाँ पर 4G ही अवेलेबिलिटी है टावर की, वहाँ पर 4G 5G सिम को कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। इन LTE सिम 5G रेडी, योर एग्जिस्टिंग 4G LTE सिम इज ऑलरेडी। लोग कहते हैं कि आप 5G आ जाने पे 4G हट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप 4G में भी 5G को यूज कर सकते हैं, अज्यूमिंग दैट यू आर इन 5G जोन एंड योर 5G कैपेबल डिवाइस इज सपोर्टेड बाई ग्लो। 5G तब यूज कर सकते हैं जब उस एरिया में, उस जोन में आपकी 5G फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर 5G फोन है और 5G सिम है, तब भी आप 5G फैसिलिटी को नहीं यूज कर पाइएगा,
जहाँ पे उसके टावर नहीं होंगे और जहाँ पे उसकी फैसिलिटी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वो कहने को ही कि 5G आ रहा है, स्पीड 4G की मिलेगी क्योंकि अभी इतने शहरों में उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वॉट आर द 5G एडवांटेज? तो इसके एडवांटेज क्या है? इट कैन प्रोवाइड हाई स्पीड, लोअर लेटेंसी। ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा? हाई स्पीड प्रोवाइड करेगा, लोअर लेटेंसी प्रोवाइड करेगा एंड ग्रेटर कैपेसिटी देन 4G LTE नेटवर्क, और 4G LTE नेटवर्क से ग्रेटर फैसिलिटी प्रदान करेगा। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मोस्ट रोबस्ट टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड हैज एवर सीन, और ये सबसे बड़ी फास्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में अभी तक देखी गई है। और आपका जो भी डेटा होगा बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, मच लोअर लैग एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हाउ यू आर लाइवली वर्क एंड प्ले, और लैग कम होगा और आप अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वॉट आर द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ 5G के क्या डिसएडवांटेज होंगे? मेनी ऑफ द ओल्ड डिवाइस वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू 5G, hence all of them need to be replaced with a new one. अगर 5G 4G पे नहीं चलता है या उससे कंपैटिबल नहीं होगा तो आपको न्यू डिवाइस लेना पड़ेगा, और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड हाई कॉस्ट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो बहुत अधिक कॉस्ट आपकी नीड करेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यू येट टू बी सॉल्व, और 5G में अभी सिक्योरिटी इश्यू को सॉल्व नहीं किया जा चुका है। वॉट आर द बेनिफिट ऑफ 5G ओवर 4G? 4G के ऊपर 5G का क्या बेनिफिट है? ओवरऑल ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम एंड फ्रीक्वेंसी इट इज यूजेस 5G हैज सेवरल बेनिफिट ओवर 4G, हायर स्पीड, लेस लेटेंसी, कैपेसिटी फॉर लार्जर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइस, लेस इंटरफेसेस, बेटर एफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा अच्छी हैं 4G की अपेक्षा, की स्पीड अधिक है, लेटेंसी कम है, कैपेसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस ज़्यादा है और लेस इंटरफेस, इंटरफेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बेटर एफिशिएंसी। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G? तो इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G इज लेटेंसी। 5G promises low latency and under 5 milliseconds, while 4G latency range from 60 milliseconds to 98 milliseconds. तो ये main difference इन दोनों के बीच में यही है। और latency change होने से आपकी download और upload करने की power change हो जाएगी। How long before 4G is phased out? अगर 4G खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? T-Mobile means Touch Mobile announced that it was finished shutting down the Sprint 3G CDMA network by March 31st, 3022 and Sprint 4G LTE network by June 30, 2022। मतलब ये सब हो चुका है लेकिन फिर भी 4G पे 5G आपका चलेगा, क्योंकि तुरंत टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होती है। When 5G network will launch in India? तो फिर 5G नेटवर्क इंडिया में कब लॉन्च होगा? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अक्टूबर 2020 तक, ये 6G by एंड ऑफ दिस डिकेड कहते हैं कि इसे डिकेड के एंड में 6G आ जाएगा, लेकिन अभी 5G ही प्रॉपर नहीं हो पाया है तो 6G की कैसे आएगा उसको समझ नहीं पाएंगे हम लोग। When Airtel will launch? तो Airtel कब लॉन्च होगा? Airtel का 5G, I had predicted that we will launch in second half of 2022. Airtel ने खुद बताया कि second half तक में वो 5G को लॉन्च करेगा। Some of the competitor felt in 5G could come in 2020 and or 2021. He remarked, so we already expect as a minister. रीड यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी विश्वास, इनका कल ही वो आया है कि जिसमें उन्होंने बताया कि अक्टूबर की बिगनिंग तक ये लॉन्च हो जाएगा एंड इट कुड बी फ्रॉम अर्ली अक्टूबर। तो
अक्टूबर के शुरू में ये लॉन्च हो जाएगा यार 5G। और जियो कब ज्वाइन करेगा, जियो ने तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है एनुअल जनरल मीटिंग में इन्होंने कहा कि टेक प्लेस ऑन अगस्त 29, ड्यूरिंग आज के दिन इनकी मीटिंग है और इवेंट इन्होंने रखा है जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग है जिसमें रिलायंस जियो में अनाउंस है जियो फोन 5G अलॉन्ग साइड इट्स 5G सर्विस। तो वो जियो फोन 5G के साथ उसकी सर्विस भी अनाउंस कर सकता है। सिंस जियो डिड नॉट लॉन्च 5G सर्विस ऑन अगस्त 15, सो वी कैन एक्सपेक्ट अगस्त 29 कुड बी अ 5G लॉन्च बाय द जियो। तो इन्होंने 15 अगस्त को बोला था लेकिन लॉन्च नहीं किया, तो हो सकता है आज ये लोग लॉन्च कर दें। विच इज़ द बेस्ट 5G मोबाइल इन 2000? तो फिर हमें जब 5G यूज़ करना है तो उसके लिए मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब 5 से 5 ऐसे मोबाइल हैं जो अच्छे हैं, जिसमें से सैमसंग गैलेक्सी S22 द बेस्ट 5G फोन फॉर मोस्ट पीपल, OnePlus 9 Pro द बेस्ट प्रीमियम 5G फोन, TCL 10 5G द बेस्ट बजट 5G फोन, एप्पल iPhone 12 द बेस्ट 5G फोन फॉर एप्पल यूजर, एंड सैमसंग के गैलेक्सी S21 FE 5G और सैमसंग गैलेक्सी Note 20 Ultra 5G, ये भी आप कंसर्न कर सकते हैं। ये सारे हमने रिसर्च करके देखे ये फ़ोन के लिए, वो बता रहा है कि ये 5 बेस्ट मोबाइल हैं जिनको आप 5G के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 मोबाइल फोन्स एंड प्राइस, अब उनके 5 मोबाइल फ़ोन और उनके प्राइस जो है वो कैसे हैं। OnePlus Nord 2T 5G की 28,776 है जो जुलाई 2022 में आ गया। Xiaomi Redmi Note 12 Pro Max 5G है जो एक्सपेक्टेड है कमिंग के लिए 19,999 का है। Oppo Reno 8Z 21,990 आने के लिए है। Samsung Galaxy M52 5G 21,87 का है जो अक्टूबर में आएगा। OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 18,999 का है। Realme 9i 5G 14,999 का है। Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 19,999 का है। तो ये काफ़ी कॉस्टली फ़ोन है 5G के, और फिर जब इसकी आप फैसिलिटी लीजिएगा, सर्विस लीजिएगा, तो वो भी 4G के बनस्पत बहुत कॉस्टली होगी। हालांकि एयरटेल कह रहा है कि हम ज़्यादा रेंज नहीं बढ़ाएंगे, प्राइस नहीं बढ़ाएंगे सर्विसेज की, लेकिन अभी से उसकी प्राइस बढ़ गई है और आगे और भी कॉस्टली हो सकती है। और इट्स डिपेंड कि वो कितनी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ले भी लेते हो और अगर वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते, टावर्स नहीं इंस्टॉल कर पाते, तो आपका फैसिलिटी उतना अच्छे से यूज़ नहीं हो पाएगा 5G का। तो कहने की बात ये है कि 5G नाम का है वो एक्चुअली में 4G की भी स्पीड दे दे तभी आपका काम हो जाएगा। और एक्चुअली में 4G अब आया है और कंट्रीज़ में जैसे चाइना में 6G आ गया और उन्होंने अपने सैटेलाइट्स से इंस्टॉल किए हैं टावर्स जिसके थ्रू उनका वर्क बहुत अच्छा चल जाएगा। और इंडिया में एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है कि इंडिया में जल्दी ये सक्सेसफुल हो पाए और हर कोई के बस का नहीं कि वो अफोर्ड कर ले। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं 5G पे मेरे पास, लेकिन हमने जितना पोर्शन जरूरी था उतना बताया आपको। अगर आपके पास कोई क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और प्रेस बेल दबाइएगा जिससे आगे मेरे वीडियो आपको मिल पाए। थैंक यू।